में अगर आप भारत में रहते हैं तो आप जानते हैं कि मोदी के जरिए जो कि यहाँ पर आयुष्मान कार्ड को लेकर ये सुविधा यहाँ पर लागू की गई थी और जो कि आपको साल में 5 लाख रुपए तक का आप यहां पर इलाज करवा सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आप इसे बनवा लीजिएगा। मैं इस पर आपको वीडियो बना दूंगा कि आपको किस तरीके से आयुष्मान कार्ड बनवाना है, ठीक है। पर आपको इस वीडियो में ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर आयुष्मान कार्ड से आखिर हम कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट को सर्च करता हूँ, जैसे कि shankarblog.com। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा और हमारे सामने वेबसाइट आ चुकी है, हम इस पर सिंपली क्लिक करते हैं। यहाँ पर आ चुका है आयुष्मान कार्ड में कौन कौन सी बीमारी आती हैं, ठीक है, जो कि फ्री में हम इनका इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारियाँ देना जो कि ज़रूरी समझता हूँ। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा, अगर आपके पास है तो आपकी फैमिली कितनी भी बड़ी क्यों ना सही, ठीक है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना सही, एक आयुष्मान कार्ड पर आपको 5 लाख का मिलेगा रुपए, ठीक है, जो कि आप उस आयुष्मान कार्ड से आप परिवार में कितने लोग हैं और आपने एक ही आयुष्मान कार्ड में आपने सारे परिवार को ऐड कर रखा है तो वो सिर्फ एक ही जो आयुष्मान कार्ड है तो उस पर आप 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं, जितने भी परिवार में आपके सदस्य हैं उनमें से किसी का भी, ठीक है। और क्योंकि कई बार मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है हम दो भाई हैं, ठीक है, तो दो भाइयों में से हमने एक ने बनवा लिया अब, ठीक है, और दोनों की शादी हुई भी है तो सिर्फ एक ही का ही वो आयुष्मान कार्ड माना जाएगा और ऐसे में जितने भी उसमें जो भी मेंबर हैं जुड़े हुए, ठीक है, तो उनमें से आप किसी का भी इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। अगर दो भाई हैं दोनों की शादी हो चुकी है तो कहने का मतलब है वो परिवार अलग अलग है, ठीक है, तो वो उन्हें अलग अलग आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर 5 लाख रुपये का आप इलाज करवा सकते हैं एक आयुष्मान कार्ड पर एक साल में, ठीक है। जैसे ही वो साल समाप्त हो जाती है तो आपको 5 लाख की फिर लिमिट मिल जाती है, फिर उसके बाद में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप वहाँ पर इलाज करवा सकते हैं। अब इलाज कौन कौन सी बीमारियों का करवा सकते हैं वो चलिए हम जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पर 15 से 64 जो बीमारियाँ हैं उनमें आप इस कार्ड के मदद से आप इलाज करवा सकते हैं। जैसे कि कई सारी होती हैं, जैसे कि गठिया ऑपरेशन, ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर आ जाती है जैसे कि हृदय रोग, ठीक है, दुर्घटना में हाथ पैर कट जाने पर सर्जरी, इसी के साथ में कैंसर जैसे इलाज, इसी के साथ में आँखों का इलाज और दांतों से संबंधित इलाज, सीटी स्कैन, जो कि कई बार ऐसा होता है जो सीटी स्कैन हमें करवाना पड़ता है पैसे देकर, ठीक है, तो वो सीटी स्कैन है वो आप इसी कार्ड के जरिए करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मानसिक रोग और मूत्र रोग जो संबंधित इलाज है वो भी आप इसी से ही करवा सकते हैं। जैसे कि टीबी जैसी बीमारियों का इलाज भी करा सकते हैं, बच्चों से संबंधित इलाज, ठीक है, जैसे कि न्यूरो सर्जन के जरिए जो भी कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑपरेशन वगैरह करवाना पड़ता है तो वो भी हम इसी से ही करवा सकते हैं। जैसे कि विकलांग है कोई आपके परिवार में तो आप उस बीमारी का भी आप इलाज इसी से ही करवा सकते हैं। इसी के साथ में कई प्रकार के ऐसे बुखार आ जाते हैं जो कि वो नहीं हो पाते हैं हल्की मुल्की दवाई से, ठीक है, तब आपको यहाँ पर एडमिट करवाना पड़ता है हॉस्पिटल में, ठीक है, तो ऐसे बुखार के लिए भी ये कार्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको 24 घंटे तक आपको हॉस्पिटल में ही भर्ती रहना होगा, ठीक है, और इसी के साथ में कुछ जाँचें होती हैं जो कि आपसे फीस ले लेते हैं, ठीक है, लेने वाले, तो उन ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि आखिर आप कौन से हॉस्पिटल में करवा रहे हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हॉस्पिटल को कॉन्टैक्ट को लेकर यहाँ पर नंबर भी दिया गया है जो कि आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर जान सकते हैं। अगर आप बरेली के आसपास रहते हैं और आप बरेली में ढूंढ रहे हैं ऐसा हॉस्पिटल जो कि सही हो और अच्छा इलाज करता हो तो, ठीक है, तो वो आप यहां से कांटेक्ट इनके व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में आप सीख गए होंगे कि आखिर आयुष्मान कार्ड से हम कौन कौन से इलाज करवा सकते हैं और वो कार्ड किस तरीके से काम करता है, आखिर हमें कितनी लिमिट मिलती है, तो ये भी आपके जो सवाल हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर रहें चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।